हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएम कॉमर्स कोटा। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जो आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। ठीक है, मैं जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है वो आपको नहीं करा रहा है यहाँ पर, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको। लास्ट अपने किया था क्वेश्चन, उसके बाद ही डायरेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं अपन। ए एंड बी टू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी 3:2 रेशियो आपको गिवन है, ये ओल्ड रेशियो है यहाँ पर उनका। जो आपको एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करने होते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, वर्तमान कमीशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके बारे में। ठीक है ना, अगर ये दोनों जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया, वर्तमान कमीशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दो ऐसे रिजर्व का अगर ये इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज वाले अमाउंट से रिवेल्यूशन अकाउंट में आते हैं और न्यू अमाउंट से न्यू आर बैलेंस शीट में शो करते हैं, और अगर ये डिक्रीज होते हैं दोनों तो डिक्रीज वाले अमाउंट से ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइडेशन कर देंगे अपन, और न्यू वाले जो अमाउंट है वो न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो देखिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, बस ये कैपिटल अमाउंट आपको गिवन है, तो बाय बैलेंस बीडी करके अपन शो करेंगे उसको 10,000 एंड 8,000। देन नेक्स्ट जनरल रिजर्व आपको गिवन है, तो ये आपको पता है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो बाय जनरल रिजर्व आपने डिवाइड कर दिया। 15,000 आपको गिवन है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया आपने, 3:2 में डिवाइड कर देंगे जनरल रिजर्व को, 9,000 और 6,000 आ जाएगा। मैंने आपको बताया दिया डायरेक्टली डिवाइड करना भी, जैसे 15,000 है तो आपको क्या करना है, पहले टोटल रेशियो से डिवाइड करना है कितना होगा, 5 से 3,000 आ गया, 3,000 को बस उनके रेशियो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है डिवाइड करने की, फास्ट आप डिवाइड कर पाएंगे इससे, 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000, 3 को 2 से करेंगे तो 6,000। देन नेक्स्ट वर्कमैन कमीशन फंड आपको गिवन है, लेकिन याद रखना इसके बारे में आपको नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो देखना होता है आपको कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज अमाउंट इसमें और डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज अमाउंट इसमें, बाकी अमाउंट इसमें आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है वो याद रखना इन दोनों के बारे में, वर्कमैन कमीशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। अगर नीचे आपको एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इट मीन्स होल अमाउंट पूरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पूरा अमाउंट यहाँ पर आप शो करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट वो क्या गिवन है आपको, क्रेडिटर्स गिवन है तो इसका एडजस्टमेंट अपन देखेंगे नीचे। देन एसेट्स वाली साइड पर अपन चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी आपको गिवन है तो एडजस्टमेंट होगा, देन बिल्डिंग का भी एडजस्टमेंट होगा, लेटर्स का भी एडजस्टमेंट होगा, देखेंगे अपन नीचे स्टॉक का भी एंड कैश का। तो कैश से यहाँ पर आप समझ जाए कि जो भी आप एडजस्टमेंट करेंगे बैलेंस फिगर वगैरह जो भी, जैसे वो कैश लेकर आता है, कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है पार्टनर, तो ये सारे एडजस्टमेंट आपको किसके थ्रू करने हैं, कैश के थ्रू करने हैं, बस ये चीज आप याद रखिएगा। पर ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैश दे रखा होता है ना वो इसी काम में आता है। ठीक है, कि आपको जो एडजस्टमेंट है आप कैश के थ्रू करते हैं। नीचे एडजस्टमेंट में आते हैं, दे एडेड टू एडवर्सी इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये सी को एंटर करते हैं 1/5 पार्ट के लिए। फर्स्ट आपको गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की इंक्रीज बाय 2000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको इंक्रीज करने हैं कितने अमाउंट से, 2000 से, तो 2000 जो है आपका वो इंक्रीज अमाउंट है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो डेट वाले साइड पर शो करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के, और न्यू वाला जो अमाउंट है वो न्यू वाले बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ओल्ड बैलेंस शीट में डेटा से लेस करके दे रखा है, तो आप भी न्यू वाले बैलेंस शीट में डेटा से लेस करके शो करेंगे आप। ठीक है, इसे कर दिया आपने, 2000 इंक्रीज हो गए तो पहले 1000 था तो 3000 आ जाएगा, डेटा से लेस करके आपने शो कर दिया। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ स्टॉक भी इंक्रीज बाय 4000, अब जो स्टॉक की वैल्यू है वो इंक्रीज करनी आपको कितने से, 4000 से। अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो इस वाली साइड पर शो करते हैं, डिक्रीज होती है तो इस वाली साइड पर, तो इंक्रीज हो रही है कितने से, 4000 से आपने शो कर दिया 4000, और न्यू वाले जो अमाउंट है न्यू वाली बैलेंस शीट में शो करेंगे अपन। स्टॉक पहले आपको गिवन है 12000, 4000 इंक्रीज हो गए तो 16000 से आपने शो कर दिया। नेक्स्ट एंड लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू 18,000, अब लैंड एंड बिल्डिंग आपको इंक्रीज करने कितने से, 18,000 तक इंक्रीज करते हैं। ठीक है, टू और बाय में डिफरेंस समझना आप, अगर टू आपको गिवन है तो ये न्यू अमाउंट आपको गिवन है। ठीक है, कि इतने तक आपको इंक्रीज करना है, और बाय अगर आपको गिवन है कि बाय इतने अमाउंट से
तो इट मीन्स इतने अमाउंट से आपको इंक्रीज करना है, तो ये वाला जो अमाउंट है वो रेगुलेशन वाला अमाउंट है, ठीक है। तो 80,000 आपको 80,000 तक इंक्रीज करना है आपको, ठीक है। इट मीन्स ये जो वाला अमाउंट है, तो ओल्ड वाला अमाउंट कितना है वो देख रहे हैं आप, तो नेट एंड बिलिंग में अमाउंट आपके पास ओल्ड वाला वो है 8,000, तो इट मीन्स इंक्रीज कितने अमाउंट से हो रहा है, 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज अमाउंट इस साइड पर शो करते हैं और अमाउंट तो आएगा आपके पास। नेक्स्ट, द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कमीशन फंड इज डिटरमाइंड एट 2000। वर्कमैन कमीशन की सर WCR की जो लायबिलिटी है वो आपको डिटरमाइन करनी है कितने से कितने तक रखनी है, 2000 तक रखनी है आपको। इट मीन्स आपको ड्यू जो अमाउंट है वर्कमैन कमीशन रिजर्व का वो रखना है 2000, और ओल्ड वाला जो अमाउंट है वो है 5000, तो डिक्रीज हुआ अमाउंट कितने से 3000 से। तो आपको पता है डिक्रीज होता है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो देखिए आप वर्कमैन कमीशन रिजर्व जो डिक्रीज वाला अमाउंट है 3000 को आपने डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, सी ब्रॉट इन एज दिस शेयर ऑफ गुडविल रुपी 10,000 इन कैश, ठीक है। अब यहाँ पर सी गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है कितना 10,000, ठीक है। 10,000 अमाउंट ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है आपके पास, तो गुडविल को किस नाम से लिखते हैं, बाय गुडविल के नाम से लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में लेकिन सेकंड में इसमें इशू। याद रखें न्यू वाला पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड करते हैं कौन से रेशियो में, सेकंड में इसमें इशू में, ओनली इस न्यू वाली गुडविल को, तो ये न्यू वाली जो गुडविल है इसको ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड कर लेंगे लेकिन कौन से रेशियो में, सेकंड में इसमें इशू में। अब यहां पर सेकंड में रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, सी का एक पार्ट गिवन है लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जो सी अपना पार्ट है वो किससे कितना ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन भी बनेगी, तो इसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसी कंडीशन में सपोज करते हैं टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, सी का कितना हो जाएगा 1/5, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा प्रॉफिट 4/5, तो 4/5 को ए और बी डिवाइड करेंगे 3:2 रेशियो में, तो 4/5 को ए करेगा 3/5 में और 4/5 को बी करेगा 2/5 में, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ऊपर का ऊपर से नीचे का, अपर वाले डिजिट अपर से लोअर वाले डिजिट लोअर से, तो कितना आ जाएगा ये 12/25, इसका जाएगा 8/25, और सी का जो रेशियो है सी आपके पास कितना 1/5, क्लियर कर लेंगे इसको, बेस सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे 12:8:5, ये आपके पास न्यू रेशियो आ जाता है। अब आपके पास न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो भी है, तो ओल्ड में से न्यू रेशियो क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो क्या जाएगा आपके पास सेकंड में रेशियो आ जाएगा। और मैंने आपको हिंट भी दे रखा है कि अगर यहाँ पर क्लियर भी बन गया कि कितना जो अमाउंट है या कितना ये पार्ट है किससे लेता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब टोटल प्रॉफिट अपन 1 एज्यूम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सैक्रिफाइस रेशियो ही उसका मतलब ओल्ड रेशियो इसका क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो होता है इनका, ठीक है। जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सैक्रिफाइस रेशियो आता है, और फिर भी यकीन नहीं हो तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा वही आएगा ओल्ड रेशियो कितना उनका वही सैक्रिफाइस रेशियो आएगा आपके पास, ठीक है। तो बाय गुडविल करके शो करते हैं अपन 10,000 को 6,000 को 4,000 आ जाएगा आपके पास। अब नीचे क्या कहना चाह रहा है, लास्ट सी गुड ब्रिंग कैश एज गुड मैन्स कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एंटिटी आफ्टर द अबव रिटेंशन एंड एडजस्टमेंट आर कैरिड आउट, ठीक है। आपको क्या करना है, सी जो कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा कैश में वो कितना होगा, वो होगा ए और बी का जो एडजस्टेड अमाउंट होगा आफ्टर रिवोल्यूशन एंड ऑल जो एडजस्टमेंट है उसके बाद जो अमाउंट होगा ए और बी का। अब देखो बेटा ए और बी का करना है आपको रिवोल्यूशन पार्टिसिपेंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब देखो समझा रहा हूं मैं आपको इसको, क्या कहना चाह रहा है समझना कि ए और बी का जो कैपिटल अमाउंट आएगा या एडजस्टमेंट कैपिटल आएगी इसके बाद रिवोल्यूशन और बाकी जितने भी एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी ए और बी की उसका 20% जो होगा वो लेकर आएगा सी एज अ कैपिटल। तो आपको पता है एज अ कैपिटल लेकर आता है सी न्यू पार्टनर, तो क्या करके शो करते हैं अपन बाय कैश करके शो करते हैं, क्या होता है कैश वन गिवन था आपको बैलेंस शीट में तो बाय कैश करके शो करेंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग फिगर से क्या आए वैसे तो ये आया इससे अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन देखना है यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है इसकी, ये कैपिटल जैसे ही ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट कंबाइंड कैपिटल कितनी होती है 34,000 तो उसका कितना परसेंट 20% है, 20% अपन ने फाइंड आउट कर लिया कितना है 11,600, तो वो फिर आपको क्या करके लिखना है बाय कैश करके लिखना है कितना 11,600, तो फिर वही एज इट इज किया आ जाएगा बैलेंस शीट के सामने शो कर लेंगे अपन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। और ये जो बैलेंस शीट होगी वो अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं इधर,
अपन क्लियर करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट साइड का रूल ज्यादा इस्तेमाल हो जाए डेबिट वाली साइड के, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे किस किस में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, बताइए आपको ये जो प्रॉफिट होता है इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड कर देंगे 3:2 में, तो किया अपन ने 7,200 ये आता है आपके पास, ठीक है। फिर इसको एज इज कैरी फॉरवर्ड किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट वाली साइड पर, क्योंकि इससे कैपिटल क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, और जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट वाली साइड पर शो करते हैं, और डिक्रीज होती है तो डेबिट वाली साइड पर अपन शो करते हैं, ठीक है। एज इज अपन ने शो कर लिया क्रेडिट वाली साइड पर वैल्यूएशन अकाउंट करके ब्रैकेट में प्रॉफिट 7,200 4,800 एडेड आउट, ठीक है। फिर सेकंड करते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट करेंगे अपन, तो इस साइड रूल में से आएगा अपना ये वाला साइड का कंप्लीट हो गया था, ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस शीट में, कैरी फॉरवर्ड होगा न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। ये अमाउंट आ चुका आपके पास 34,000 to 24,600 आएगा, ये टोटल कर लेंगे इसका ये आ जाएगा। फिर जब अपन बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं न्यू वाली, तो इसी कंडीशन में आपको क्या करनी होती है ओल्ड वाली बैलेंस शीट वापस से रीड करनी होती है, ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है बेटा अपनी, ठीक है। तो ओल्ड वाली बैलेंस शीट अपन कंप्लीट करेंगे, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं तो एज इट शो कर लीजिए अपन ने, उसके बाद आपको ये वाली जनरल रिजर्व वो आपने डिवाइड कर लिया आएगा। फिर वर्कमैन कमीशन फंड तो आपको पता है डिटरमाइन करना था कितने 1,000 से 2,000 से, तो न्यू वाला अमाउंट अपन ने शो कर लिया था 2,000। फिर क्रेडिटर्स है कुछ भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होता है उसको आप एज अ पीस शो करिएगा न्यू वाली बैलेंस शीट में, जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है 12,000 आ जाएगा एज अ पीस। फिर आते हैं एसेट्स वाली साइड पर, एसेट्स वाली साइड में फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में कुछ हो गया एज अ पीस शो कर लिया आपने, बाकी जिसमें हो रहा था वो आपने कर लिया था, प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं हुआ एज अ पीस शो करेंगे अपन 10,000 से। फिर नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, इसका एडजस्टमेंट हो चुका था अपना, डेटर्स इसका भी एडजस्टमेंट हो चुका था, देन प्रोविडेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसका भी हो चुका था, इसको ये भी कंप्लीट हो गया अपना। फिर कैश, अब कैश में मैंने आपको बता रखा है कि स्टार्टिंग वाला जो बैलेंस होता है वो आप ब्रैकेट में शो कर लीजिएगा स्टार्टिंग, फिर इस साइड पर अगर कोई कैश लिखा हुआ है तो उसको ऊपर क्रेडिट करेंगे, इस साइड पर अगर कोई कैश लिखा हुआ है तो उसको ऊपर लेस करेंगे, इस साइड पर कोई कैश नहीं है तो उसको ऊपर लेस भी नहीं किया, ये कैश दे रखा है आपको 11,600 वो ऊपर क्रेडिट कर लिया बेटा। और बाकी मैंने एक और चीज बता रखी है जो कैश में नहीं लिखी होती है वो है अमाउंट ऑफ गुडविल, कितना अमाउंट होता है 10,000 तो वो अपन ने एड कर लिया, ठीक है। टोटल अमाउंट आता है आपके पास 30,600 टोटल कर लेंगे अपन दोनों साइड का, टोटल क्या आना चाहिए आपका इक्वल आना चाहिए, तब जाके आपका ये जो आंसर है वो क्या एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर नंबर 2। आप सीएम ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों वगैरह में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जो नहीं पढ़ पा रहा है या जो कोचिंग नहीं ले पाता है या जिसके पास थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है तो उसको ये वीडियो आप शेयर करें, मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा चैप्टर से रिलेटेड। और अपन क्या चल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपन कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, कोई मैं आपको टॉपिक नहीं बता रहा हूँ एक फिर उसके बाद अपन चल रहे हैं, आप पर जो चल रहे हैं वो स्टार्टिंग से चल रहे हैं बेटा, मैंने थ्योरी इधर कंप्लीट करके आ चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आप देख लें थ्योरी का अलग बना हुआ है अपना बॉक्स, ठीक है। 12th क्लास की थ्योरी का अलग है जिसमें मैंने पूरी कंप्लीट थ्योरी समझा रखी है आपको बहुत अच्छे से एक एक एग्जाम्पल से, ठीक है। और न्यूमेरिकल चल रहे हैं और न्यूमेरिकल में वो वाले न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा आपको जो सिमिलर टाइप के हैं, मैं आपको अलग डिफरेंट वाले टाइप्स की न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच सीएम कॉमर्स कोटा से बने रहिए।